माता पिता से बच्चे मिल ही नहीं सकते, गुरुजनों से बच्चे मिल ही नहीं सकते। बोल जी, अनुमति नहीं है दरवाज़ा खटखटाने की हमें। बॉस से उनके सेवक मिल ही नहीं सकते कि जी बॉस से बात करने की अनुमति नहीं है हमें। तो फिर भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। फिर तो ना बहुत ज़्यादा दूरी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीकी होनी चाहिए। ये उपदेश श्री राम दे रहे हैं, जो एक आदर्श महामानव है वो दे रहे हैं। ये कोई तो सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा इसको, इसका मतलब इस बात में बहुत वजन है। वो कह रहे हैं मध्यमे व अत्र कारणम, मध्यम मार्ग रखना चाहिए आपको। एक आपकी एक इज्जत, एक गौरव, एक सम्मान भी होना चाहिए प्रजाजनों के बीच में, और वो अपनी बात भी शालीनता पूर्वक आपको कह सकें, ऐसा आपका आचरण होना चाहिए। कच्चित् सर्वाणि दुर्गाणि धन धान्यायुधोधकैः यंत्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरैः। अब आगे कह रहे हैं सर्वाणि दुर्गाणि, आपके सभी दुर्ग, क्योंकि राजा है ना, तो मुख्य स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर दुर्ग बना करके रखते हैं, किले बना करके रखते हैं, तो उनसे युद्ध किए जाते हैं किलों में रह करके। वो सारे कैसे होने चाहिए? धन धान्य आयुध उदकई ही, इन सब से परिपूर्ण होने चाहिए। धन होना चाहिए वहाँ, मानो युद्ध छिड़ गया और वहाँ ना खाने के लिए है ना कुछ धन आदि है, तो फिर सैनिक तो घिर जाएंगे, तो युद्ध कैसे करेंगे? तो धन धान्य होना चाहिए, आयुध होने चाहिए लड़ने के लिए। यदि आयुध नहीं है दुर्ग में, तो ऐसे खाली दुर्ग का क्या करें फिर? और उदक, तो जल तो जीवन के लिए अति आवश्यक है, तो वहाँ जल भी होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि पहले से ही व्यवस्था करके रखो। ऐसा नहीं है कि जी जब युद्ध छिड़ेगा तब इनको रख लेंगे वहाँ पर, अभी से क्या ज़रूरत है? तो आग लगने के बाद कुआं खोदने वाला कभी आग बुझा नहीं सकता है। फिर जब तक कुआं खुद के पानी आएगा, तब तक तो आग पूरे घर को जला चुकी होगी, इसलिए पहले ही कुआं खोद के रखना चाहिए। तो इसलिए श्री राम कह रहे हैं कि ये जो अपने दुर्ग हैं, उन सब को धन धान्य आयुध उदक आदि से परिपूर्ण रखना, यंत्रैश्च, और वहाँ के लिए जो अपेक्षित यंत्र आदि होते हैं वो भी, उनसे भी परिपूर्ण दुर्ग होने चाहिए। नहीं तो खाली मकान ही मकान, वो रक्षा नहीं कर पाएगा युद्ध आदि से। तथा शिल्पी धनुर्धरई ही, और वहाँ पर कुछ शिल्पी लोग भी रहने चाहिए जो नया निर्माण करते रहें, और धनुर्धरई ही, धनुर्धर भी रहने चाहिए, योद्धा भी वहाँ रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि जब युद्ध शुरू होगा तब वहाँ पर भेज देंगे, तो तब तो वहाँ जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शत्रु ने घेर लिया होगा दुर्ग को चारों तरफ से, तो सेना कहाँ से जाएगी? तो कुछ पहले से ही रखो, जैसे सीमाओं के ऊपर जो सैनिक हैं, प्रतिदिन तो युद्ध नहीं होता है, चीन पाकिस्तान आदि प्रतिदिन थोड़ी करते हैं युद्ध, लेकिन पहले से ही सेना को वहाँ तैनात रखना पड़ता है। ये नहीं कर सकते कि भाई इतने दिन वो खाली बैठे क्या करेंगे वहाँ सीमा पे, तो जिस दिन युद्ध होगा उस दिन भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है। हर क्षण वहाँ पर रहना चाहिए। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, आयस्ते विपुल कच्चित् कच्चित् अल्पतरो व्ययः अपात्रेषु नते कच्चित् कोशो गच्छति राघवः। हे राघव, क्योंकि हमारे पास खूब धन धान्य है श्री दशरथ जी के राज्य में, ये हमने रामायण के प्रारंभ में पढ़ा था, अत्यंत धन धान्य से केवल राजा ही नहीं, सामान्य प्रजाओं के घरों में भी सोने चांदी के जो सिक्के आदि हैं, मोहर आदि हैं, उनके भी ऐसे ही ढेर लगे हुए हैं जैसे अनाज आदि के ढेर लगे होते हैं किसान के घर में, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन तो भी ये कह रहे हैं आपका जो वो धन है वो अपात्रों में नहीं जाना चाहिए। आयस्ते विपुल कच्चित, क्या आपकी आय पर्याप्त तो है ना, कहीं रुक तो नहीं गए जी? मेरे पास तो मेरे बाप का दिया हुआ बहुत है, इसलिए मुझे तो कमाने की क्या ही जरूरत है जी, पतंजलि में तो बहुत है, तो उसके लिए अब हम क्यों दान मांगें किसी से? ऐसे हमारे बहुत सारे संगठन के लोग हैं जो ना मेहनत करते हैं, बोल जी कोई दान देता ही नहीं है, सब लोग बोलते हैं पतंजलि के पास तो बहुत है,
और कुछ हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो अपना सारा कार्य दान से चलाते हैं और बहुत अच्छा चलाते हैं और समय समय पे पतंजलि में भी भेजते हैं, दोनों प्रकार के हैं। तो दान मिलता किसको है? जो वहाँ पर सेवा करता है। कि वहाँ की तो बात छोड़ो, कितने लोग तो हरिद्वार में ही रोजाना भेजते हैं, फ़ोन करके खुद बताते हैं। कम से कम 5-7-10 लाइफ मेंबर रोज बनते हैं, कुछ बड़े भी बनते हैं, कुछ छोटा दान भी देते हैं, 10-5 हज़ार का भी देते हैं। तो देने वालों की कमी आज भी नहीं है देश में, लोगों के पास पर्याप्त, लेने वालों की कमी है। जो कहते हैं ना कि भाई इनके पास तो बहुत है तो कोई देता ही नहीं है, ये वो लोग हैं जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, अपने मन में कुंठा बनाए बैठे हैं, ना सेवा करते हैं, ना शिविर लगाते हैं, ना किन्हीं रोगियों के रोग मिटाते हैं। भाई आप गांव में जाओ, आप सेवा करो। और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। हमने जब सेवा करना शुरू किया था 2005 में, तो मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं थी और एक साइकिल भी नहीं थी कि किसको सिखाएं, लेकिन हमें एक बार भी इस तरह की कोई कमी आई नहीं। जिसको भी हम कहते कि जी वहाँ शिविर लगाना है तो क्या आप हमें 8 दिन अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे, छोड़ देते थे। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग बुजुर्ग 8-10 हमने वहाँ उनको, जो महाराज जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उनको जोड़ रखा था संगठन से, छोड़ाते थे, ले आते थे, या किसी भी गांव में जाएं गांव वाले मना नहीं करते थे, वो अपने आप ही अपना दान आदि इकट्ठा करके सब व्यवस्थाएं कर देते थे। और फिर एक बार हमने 2008 में वहां पर शिविर लगाया, तो उस समय शिविर में कम से कम 25-30 लाख रुपए खर्च हो जाते थे सब व्यवस्थाएं लगा करके। आस्थादि चैनल को भी देना पड़ता था उस समय। तो पहले तो शुरू में तो किसी ने दान दिया नहीं, लोग बोलते थे कि स्वामी जी तो यहीं के हैं, तो स्वामी जी अपने ज़िले में आ रहे हैं तो उनको यहाँ कुछ दे के जाना चाहिए, लेके नहीं जाना चाहिए, हम क्यों दें उनके लिए दान, वो यहाँ हमारे यहाँ दे के जाएं। तो ऐसे ऐसे खैर चलते चलते, अब वो फिर मैं पूरा नहीं बताऊँगी डिटेल में कैसे कैसे चेंज हुआ, लेकिन अंतिम उसका निष्कर्ष ये है कि फिर आवश्यकता थी 25-30 लाख की, और एकत्रित हुए 40 लाख के लगभग, 40 या 45, मतलब सब खर्चा लगा लोगों के, फिर भी 10-12 लाख रुपए बच गए थे जो हमने हरिद्वार भेजे थे। तो जब व्यक्ति खुद मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो देने वालों की कमी नहीं है देश में, खुद आ करके देते हैं लोग, तो मेहनती होना चाहिए व्यक्ति को। और कितना भी होने के बाद मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहिए। अब श्रद्धे स्वामी जी यूँ सोचें कि भाई पतंजलि में तो बहुत हो गया, और मुझे लगता है पूरे देश में यदि किसी सन्यासी को लोगों ने दान दिया है तो स्वामी जी जितना दान किसी को नहीं मिला होगा। हमारी जो 4-5 साल तक जो भारत स्वाभिमान यात्रा चली हर प्रांत के, हर जिले में और बहुत सारी तहसीलों तक, जिला तो कोई बचा नहीं था उस समय, एक एक शिविर में कम से कम 25-30 लाख रुपए खर्च हो जाते थे। तो अब वो जितने शिविर हुए उनको आप मिनिमम 25 लाख या 20 लाख से भी गुणा करो तो आप एक तो उसका कैलकुलेशन कर लो कितना दान दिया लोगों ने, और फिर सारा जो पतंजलि योगपीठ खड़ा हुआ है ये दान से ही है, कोई सरकारी सहायता तो है नहीं। तो जितना भी ये हुआ है ये सब क्या है? दान का ही परिणाम है। पुरुषार्थ तो करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन और उसके बाद भी फिर व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए, महाराज जी ये नहीं सोचते हैं कि बस अब तो बहुत हो गया, अब आगे ना किसी से लेना है ना कुछ करना है। तो वही बात यहाँ पर श्री राम भी बता रहे हैं। हमारे मन में भी कई बार आ जाते हैं ना ऐसे कि जी बस पर्याप्त है, अब इसके बाद तो बस क्या मेहनत करनी है, या आपके मन में ही आ जाए कि जी हम तो सब अपना घर का ही छोड़ के आ गए, अब दान आदि के बारे में तो क्या सोचना, बस हम तो भजन करें। तो दान आपको अपने लिए धन बेशक नहीं चाहिए, लेकिन आपको लोकोपकार के कार्य करने के लिए तो धन की भी आवश्यकता होनी चाहिए, होती ही है। धन नहीं है तो आप लोकोपकार के वो कार्य नहीं कर सकते जो आपके मन में हैं। ठीक है, अपना ध्यान भजन आप कर सकते हैं। तो इसलिए श्री राम भरत जी को कह रहे हैं, आयस्ते विपुल कच्चित, क्या तुम्हारी विपुल आय हो रही है, इनकम बढ़ रही है? और कच्चित अल्पतरो व्यय,
जितनी आय है उससे अल्पतर व्यय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आय तो कम है और खर्चा ज्यादा है। कमाई अठन्नी खर्चा रुपया, फिर तो डूबोगे, थोड़े देर में ही वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं, कंगाल, और दिवालियापन घोषित हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं देश में, फिर वो देश छोड़ के भाग गए, पहले कर्जा लिया बैंकों से और फिर उससे खूब गुलछर्रे उड़ाए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उस नीति के ऊपर चले कि लो और खूब उड़ाओ, थोड़े दिन में जब उनको पकड़ने लगे तो देश छोड़ के भाग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को आय खूब बढ़ानी चाहिए लेकिन तो भी अपनी आय से व्यय अल्प होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। आयस्ते विपुलः कच्चित् कच्चित् अल्पतरो व्ययः, अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशो गच्छति। कहीं आपका कोश अपात्रों के पास तो नहीं चला जाता है? गीता में भी उसका निषेध किया गया है कि दान किसको देना चाहिए, पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। और कुपात्र की बात तो हर जगह ही मना की है, केवल रुपए पैसे के दान की बात नहीं है, विद्या का दान भी अपात्र को नहीं देना चाहिए, ये भी निरुक्त में आया है। जो विद्या का अधिकारी नहीं है उसको विद्या का दान नहीं देना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में जो गुरु मंत्र कान में दिया जाता था उसका यही विज्ञान है। ठीक है, वो कभी कभी उसकी हम निंदा करते हैं कि भाई कान में क्यों दें, अच्छी बात है तो सबको सुनाओ ना, पर सब उसके महत्व को तो नहीं जानेंगे ना, उसमें कितना विज्ञान छिपा हुआ है। तो वो तो फिर किसी पात्र को ही देना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बताया है कि कुपात्र को, आपका जो कोष है वो अपात्रेषु न गच्छति, काकु ध्वनि से पूछ रहे हैं। तो दान तो जरूर देना चाहिए लेकिन कहाँ देना चाहिए, जहाँ उससे फिर कुछ परिणाम मिले, रिजल्ट आए। लोग पतंजलि को इतना दान क्यों देते हैं, अभी भी क्यों देते हैं? क्योंकि पतंजलि में आया हुआ एक रुपया भी, एक पैसा भी किसी के व्यक्तिगत सुख के लिए खर्च नहीं होता है, बल्कि सारा का सारा पूरे लोक के सुख के लिए खर्च होता है। या तो आचार्य कुलम में खर्च होगा तो उसमें पता नहीं आने वाली कितनी पीढ़ियां पढ़ेंगी आचार्य कुलम में, या तो वेलनेस के लिए खर्च होगा तो उसमें पता नहीं आने वाली कितनी, कितने लोग उसमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो कुछ ऐसे कार्यों में जो खर्च करते हैं जिसमें सबका हित छिपा हुआ है तो वहां दान देना चाहिए। कोई व्यक्ति दान लेकर के और अपने व्यक्तिगत सुख के लिए ही यदि उसको खर्च करना चाहता है तो फिर वो, मतलब वो दान ज्यादा फलीभूत नहीं होगा। तो यहाँ पर श्री राम भी गीता की तरह ही कह रहे हैं, अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशो गच्छति राघव। राघव, दान देते समय भी ध्यान रखना, कोश को लुटाते समय भी अपात्रों में ना लुटाया जाए कहीं, नहीं तो राजा लोग क्या करते हैं, कोई एक पार्टी रख ली, उसमें नाचने गाने वाली महिलाओं को, पुरुषों को बुला लिया, तरह तरह के व्यंजन बना दिए, और केवल राजा ही नहीं, आजकल धनवान लोग भी करते हैं ऐसे, अपने बेटे बेटे की शादी की, बेटी की या बेटे की, और उसमें कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया, ऐसी ऐसी पार्टियां हुई, ऐसे उनको वो गिफ्ट दिए गए, ऐसे खाने बनाए गए, ऐसे उनको रहने के लिए 5-7 स्टार होटलों में व्यवस्था हुई, सब उस भोग विलास में एक रात में इतना सारा धन फूक फाक के खत्म कर दिया। तो इतने धन से तो कितना लोकोपकार किया जा सकता था, कोई स्कूल, कोई कॉलेज बनाया जा सकता था, कोई अनाथालय, कोई धर्मशाला, बहुत लोकोपकार के कार्य किए जा सकते थे। तो कई बार राजा भी जब विलासी हो जाता है तो वो अपने कोष को ऐसे ही उड़ा देता है। ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने पूरे राज्य के राजकोष को भोग विलासों में उड़ा दिया, शराबादी पीने में उड़ा दिया। तो इसलिए श्री राम इनको सजग कर रहे हैं कि कोष कहीं अपात्रेषु न गच्छति।
देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति ते व्ययः। और जो पहले श्लोक में धन के अपात्रों में न जाने की बात कही है, वो हमारे जीवन के साथ कैसे जुड़ेगी? हमारे पास भी जो धन है, जो ऐश्वर्य है, शरीर का है, वाणी का है, मन का है, बुद्धि का है, विद्या का है, वैदुष्य का है, जो भी सामर्थ्य है, उसको यदि हम प्रोडक्टिव वर्क में नहीं लगाते हैं तो वो सारा कहाँ चला जाएगा? अपात्रता में ही चला जाएगा। तो अपनी शक्तियों का भी व्यक्ति को आकलन करके उनको कैसे बढ़ाया जा सके, तो उसके साथ भी ये श्लोक जुड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ धन हर व्यक्ति के पास है। कुछ भी नहीं है तो जीवन धन तो है हमारे पास। मानव जीवन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा धन है, और इस मानव जीवन को यदि हमने भोगों में ही व्यतीत कर दिया तो फिर तो ये उसका नुकसान हो गया, अपात्रता में चली गई सारी शक्तियां। और यदि मानव जीवन को हमने योग मार्ग पे लगा दिया, योग मार्ग पे व्यक्ति कहीं भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि पतंजलि योगपीठ के संन्यास आश्रम में आकर के ही योग मार्ग पे लगाया जा सकता है। योग मार्ग पे अपने घर में रह करके भी योग मार्ग पे व्यक्ति चल सकता है, तो फिर ये जीवन की सार्थकता है। और वो ऐसे राजा आदर्श होते हैं और वो सुयश को प्राप्त करेंगे, और बाकी जो ऐसे लुटा देते हैं उनको तो फिर एक दिन उनके जीवन का दिवालियापन निकल ही जाता है। और आगे बताया उसको कहाँ खर्च करना चाहिए, तो फिर अपात्रों में खर्च ना करें तो कहाँ करें, तो अगले श्लोक में बता दिया। तो इसको 36-37 श्लोक को भी निशान लगा लीजिए, अच्छे ये श्लोक हैं। देवतार्थे च पित्रार्थे, देवों के लिए लगाओ उसको, खर्चा कहाँ करें? देवतार्थे, देवता कौन होते हैं? जो देने वाले होते हैं। तो जो आपसे लेकर के कहीं और लगाएं उनको, उनके लिए खर्च करो आप। देवतार्थे, पित्रार्थे, जो पितरजन हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी करना वो आपका काम है। तो पित्रार्थे, ब्राह्मण अभ्यागतेषु च, जो ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, उनके लिए, और जो अभ्यागत हैं, अतिथि आदि आपसे मांगने के लिए आया है कोई, तो उनको देना चाहिए। गीता में भी जो शारीरिक तप है वो ऐसे ही उससे मिलता जुलता ही है इस श्लोक से। शारीरिक तप में क्या कहा है वहाँ पर? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो वहाँ पर भी चार ही तो गिनाए, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इनका पूजन करना, तो यहाँ पर भी वो ही आ गया, देव, पितर, ब्राह्मण और अभ्यागत, तो उससे मिलता जुलता है। उनका पूजन करना मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको देना, तो ये तप की श्रेणी में आता है, शारीरिक तप की श्रेणी में आता है। तो वही बात यहाँ भी कह रहे हैं, देवतार्थे व्यय, देवतार्थे ते व्यय, पित्रार्थे ते व्यय, ब्राह्मण अभ्यागतेषु च ते व्यय, तुम्हारा खर्चा यहाँ होना चाहिए, योधेषु मित्र वर्गेषु च ते व्ययः गच्छति कश्चित्। योद्धाओं के लिए खर्च होना चाहिए। अभी तो फिर भी मिल गए हमारे योद्धाओं को हथियार, काफी समय तक तो ऐसी वो रही कि वो बेचारे सीमा पे खड़े तो हैं पर उनके पास जो बंदूकें हैं वो बहुत पुराने जमाने की, कि चलानी पड़े तो वो खुलेंगी नहीं ऐसी। तो योद्धाओं के पास लेटेस्ट यंत्र होने चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल करके सीमा पे खड़े हैं, तो उनके पास संसाधन तो होने ही चाहिए। तो ये बात आज लोग कहते हैं कि जी मोदी जी ने दिला दिए नए यंत्र और ये बहुत बड़ा एक विकास का प्रतीक है, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात तो रामायण काल से चली है, श्री राम भी श्री भरत जी को बता रहे हैं, योधेषु ते व्यय गच्छति कश्चित्, योद्धाओं के लिए खर्च करना, मित्र वर्गेषु, और जो मित्र वर्ग हैं, जो
अलग अलग पहलुओं से लोक का भला करते हैं, राज्य का भला करते हैं, तो ऐसे उस वर्ग के लिए खर्चा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो अपात्रों में खर्चा नहीं होना चाहिए। तो यहां तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जो यहां इन्होंने गिनाया ना, देवों के लिए, पितरों के लिए, ब्राह्मण अभ्यागतों के लिए, योद्धाओं के लिए, मित्र वर्ग के लिए, तो वहां तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कई बार व्यक्ति क्या करता है, जहां खर्च करना है वहां तो खर्च करता नहीं है, वहां तो कंजूस बनता है, और जहां खर्च नहीं करना वहां सारा दे देता है। जैसे जो धनवान लोग हैं उनके पास आप जाएंगे चंदा मांगने, जी हमें तो कोई गुरुकुल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो वहां तो देंगे नहीं वो, या देंगे तो वो कुछ 10-5 हज़ार रुपये देंगे, जो उनकी आमदनी के लिए कुछ भी नहीं है, 5-10 रुपए जैसे ही है। और अपने घर में कोई विवाह शादी होगा तो उसमें फिर वो कई करोड़ लुटा देंगे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने धन तो कमाया लेकिन उसका नियोजन करना उनको नहीं आया। कच्चित्तार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्चौर कर्मणा अपृष्ट शास्त्र कुशलैर्न लोभाद् वध्यते शुचिः। कश्चित् आर्य विशुद्धात्मा क्षारितश्चोर कर्मणा, बोले जब कभी कोई विशुद्ध आत्मा, कोई पवित्र आत्मा, आर्य श्रेष्ठ आत्मा, या क्षारितः जो झूठ झूठा आरोप लगा देते हैं, चोर कर्मणा या चोरी आदि के अपवाद में उनको, उनके ऊपर आरोप लगा करके जब उनको लाया जाता है, कश्चित् आर्य विशुद्ध आत्मा क्षारितश्चोर कर्मणा, चोरी आदि का आरोप लगा करके, चोर कर्म आदि से युक्त उनको कर करके, अपृष्टः जब उनको लाया जाता है तो शास्त्र कुशलई ही शुचिः अपृष्टः न, तो जो शास्त्र में कुशल हैं, जो विद्वान हैं, वो लोग उनसे ठीक ठीक पूछताछ करते हैं या नहीं, या फिर लोभात वध्यते, या लोभ के कारण उनका वध कर दिया जाता है। मानो जो श्रेष्ठ लोग हैं, तो कई बार राज में ऐसे लोग पनप जाते हैं कि जो श्रेष्ठ लोगों के ऊपर ही आरोप लगा देते हैं, क्योंकि यदि श्रेष्ठ लोग बने रहेंगे तो फिर वो उनको मनमानी नहीं करने देंगे, वो उनको रोकेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जो बुरे लोग हैं वो उन श्रेष्ठ लोगों के ऊपर ही कुछ मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं कि ये तो ऐसे हैं ऐसे हैं, और वो जो बुरे लोग होते हैं ना, वो उन अच्छे वालों को कटघरे में खड़ा करके और फिर उनको दंड दिलवा देते हैं। तो बोले अब हमारा रास्ता साफ। तो ये पूछ रहे कि जब उनको आरोप लगा के, चोर कर्म आदि का आरोप लगा करके, जब ऐसे श्रेष्ठ लोगों को और विशुद्ध आत्माओं को जब वो लाया जाता है, तो क्या शास्त्र कुशल व्यक्ति ये पूछताछ करते हैं या नहीं, माने ठीक से न्याय मिलता है या नहीं ऐसे लोगों को। होना ये चाहिए ना कि भाई जो न्यायाधीश के पद पे बैठा है वो पूर्ण विवेकी हो, निरक्षीर विवेकी हो जज, और यदि वो ऐसा नहीं है तो फिर लोभाद वध्यते, आजकल भी होता है लोभ के कारण घूस दे करके उनको मरवा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि शुचिता पूर्वक ऐसे लोगों के बारे में आपके पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए न्यायालय आदि में, क्योंकि ये कुछ सिस्टम ही तो बड़े होते हैं ना। अब जुडिशियल सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है, तो लोगों को न्याय मिलते ही नहीं है, वहाँ जो अपराधी हैं वो बच जाते हैं घूस आदि दे करके, और जो वास्तव में निरपराधी थे उनको बेचारों को दंडित कर दिया जाता है, सजा सुना दी जाती है। तो उससे फिर राष्ट्र की हानि होती है, देश की हानि होती है। तो ऐसे आपको वहाँ पर न्यायाधीश आदि की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं, शेष कल। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।
आदर्श हो धरती के, आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे। रखने को वचन पितु का, रखने को वचन पितु का, रखने को लाज कुल की, रखने को लाज कुल की, वैभव तज डाला हे राघव राम मेरे, वैभव तज डाला हे राघव राम मेरे। दुखियों के दुख हरते, दुखियों के दुख हरते, परम दयालु तुम हे राघव राम मेरे, परम दयालु तुम हे राघव राम मेरे। आदर्श हो धरती के, आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे। श्री गुरुभ्यो नमः।